फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशन में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम की बड़ी सफलता। 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूट के 78,000 रुपए, 5 तमंचा नाजायज, 315 बोर में 9 जिंदा कारतूस। चोरी के 2 ऑटो व चोरी की एक बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। ये मक्खनपुर पुलिस के जो थाना अध्यक्ष हैं महेश, ये एक हफ्ते का उनका पूरा ये काम है। ये दरोगा जी आए थे एमपी से, ट्रेन से आए, अपना वर्दी उतारे, झोला में रखे, ऑटो में बैठ गए। इतने सुंदर ऑटो हैं इनके कि कोई भी बैठ जाए, बड़े बढ़िया बना है। बैठ गए, फिर इन्होंने उनको चाय वाय कुछ पिलाया, ऐसा कुछ करके बेहोश हो गए, उनको लूट लिया। 1,18,000 रुपये और उनका आई कार्ड और उनका आधार कार्ड और उनका जो है कोई एक बैग था काला रंग का, ये सब लूट लिए। तो चिंता हुई, हम लोग शुरुआत किए, तो ये पूरा गैंग 6 लोगों का है। इसमें एक मोटरसाइकिल वाला भी गैंग है जो ऑटो मोबाइल लूटता है, 2 ऑटो वाले हैं जो सवारी बैठाते हैं उनको लूट लेते हैं। और इसमें हमारी घटनाएं खुली हैं कि जो नीली और लाल मोबाइल मोटरसाइकिल है इसको लूटा इन्होंने डोडला से। और 3 घटनाएं हमारी और खुली हैं ऑटो की, जो सवारी बैठाते थे लूट लेते थे। तो इस तरह से, और मोबाइल इन्होंने आपको बताया कि ये दो तीन मोबाइल रोज लूटते हैं और साल भर से कर रहे हैं। अब एवरेज निकाल लीजिए कितना, 2 साल से कर रहे हैं, तो 2 साल से कर रहे हैं तो 1,500 मोबाइल तो लूट चुके हैं। 74 मोबाइल का पार्ट हमको मिला है वहाँ पे, और इनका जो मेन मुलजिम है वो दौड़ाया गया तो वो नहर में कूद गया, तो इसलिए हम लोग बैक हो गए कि मर न जाए, नहीं तो ठीक नहीं है, जाने दिया आपका, ठीक है तुम्हें दोबारा ले आएंगे, नदी में कूद गया था तो अभी उसको भी ले आएंगे। तो इस तरह से ये चलते, मतलब इनकी मोटरसाइकिल आप चला के देखिए, चलवा के देखिए, 100 की स्पीड मोड़ लेते हैं ये। 18 साल के लड़के हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है। मैंने इनकी काउंसलिंग भी किया है, मैंने घर परिवार वालों को बुला के भी बात किया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, भले हम इनको जेल भेज रहे हैं बट घर वालों को लगाया कि आप इनकी काउंसलिंग करिए, सुधारिए। अब इनके मुकदमे देखिए आप, ये पूरा गैंग है। 1 पे 13 मुकदमा है अर्जुन पे, 1 टीकम लाल हैं ये पेरोल पे हैं मैनपुरी से, अभी मैनपुरी से वांछित हैं, अभी मनोज लूट में वांछित हैं। तो सुधरने की संभावना कम है, लेकिन मेरा अपना प्रयास है कि इनको जरायम की दुनिया से बाहर निकाला जाए। घर वालों को बुला के मैंने कोचिंग कराई, इसीलिए हमको 4-5 दिन लग गए इसको पूरा कलेक्ट करने में, घटना को चूल से चूल भिड़ाने में, पुरानी जो मोटरसाइकिल लूटी थी कहाँ की लूट थी उसको वहाँ से जोड़ने में। इस तरह से बहुत बढ़िया काम हुआ है ये जो थाना प्रभारी मक्खनपुर के द्वारा, और उनकी टीम को, और उनको 20,000 रुपये का इनाम मैं अपनी तरफ से दिख रहा हूँ। सर, ये जो 1500 से ऊपर इन्होंने जो मोबाइल लूटे थे ये बेचे भी तो होंगे किसी को? यस, इन्होंने जिसको बेचा है वही तो नदी में कूद गया, वही तो नदी में कूद गया। तो मतलब 74 मोबाइल के पार्ट डिफरेंट जो मिले हैं उसको वांछित कर रखा है, उनको ले आएंगे। जब वो खरीदारी बंद हो जाएगी तब इसकी चोरी बंद हो जाएगी। सर, 1-2 वर्ष से ये ऐसे लूट का वारदात करते थे, क्या पुलिस के कभी हत्थे नहीं चढ़े? हाँ, अभी ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। बहुत शिद्दत से पुलिसिंग हो रही है यहाँ पे, एक एक चीज को बहुत मजबूती से देखा जा रहा है। होता क्या है, कोई राहगीर जा रहा है यहाँ से सिकोहाबाद से शाहजहाँपुर का, मोबाइल छीन लिए तो कभी तो लिखाता है कभी नहीं लिखाता है, और कभी भाई लोग लिखते भी नहीं, मोहर मार के दे दिए चला गया। तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं आ पाती हैं। यहाँ तो इकट्ठे ये मोटरसाइकिल चोरी में पकड़े गए ना, मोटरसाइकिल चोरी की थी, उससे लूट करते थे, तब एक पूरा खुलासा। सर, कितने लोगों का गैंग था ये? 6 लोग, ठीक है।